is it? Do you want to be a pilot? Hey, what's up guys? Good morning. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. Finally, हमारा वो दिन आ गया है जब हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं. सुबह घर का हाल बहुत बुरा है. वो दिखाने से पहले मैं अच्छी चीज दिखाता हूँ. जैसे बोलते हैं ना, एक अच्छी खबर एक बुरी खबर, तो पहले मैं अच्छी चीज दिखाता हूँ. टूटू, हाउ आर यू फीलिंग? एक्साइटेड फॉर द ट्रैवल? ये देखो हम लोगों का हाल ना, इसने अभी तक रेडी नहीं है, मैं रेडी नहीं हूँ, तीर्थ रेडी नहीं है, सारे लोग अभी आंचल किचन में अभी भी काम कर रही है. ये तो अच्छी चीज थी कि एक्साइटमेंट कैसी है. हाय, एक्साइटमेंट है हम लोगों की. एंड जो बुरी चीज है मैं आपको दिखाता हूँ. आई थिंक ये हर घर में होता है, जो भी इंसान ट्रैवल पे जा रहा होता है, लास्ट मिनट पैकिंग वो मैंडेटरी होती है. तो ये देखो हमने सारा ये बैग तो अभी बंद की है, लेकिन ये खोलनी है, इसमें जैकेट्स डालने हैं. और ये बैग खोल के रखी हुई है हमने. ये फाइनली हमको एक और बैग बनानी ही पड़ गई. तो मतलब एक दो ये तीन बैग, और ये देखो नाश्ते की बैग, ये जो जंक हम वॉलमार्ट से लाए थे. तो ये बैग में अभी भी सामान और भर रहे हैं हम लोग. रास्ते के लिए ये हमने बनाया हुआ है आलू और पूरी. आई नो हम बाहर भी खा सकते थे, बट भाई वो जो होता है मम्मी वाली चीजें, जब आप ट्रैवल करो तो मम्मी की आलू पूरी या आलू पराठे याद आते हैं. मेरी मम्मी तो करेले ही बनाती थी, और एक दिन हमारे घर में कोई करेले खाता नहीं मुझे छोड़ के, इसलिए आलू एंड पराठे बनाए. एग्जैक्टली मेरे को लगता है कि हमारे पेरेंट्स जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारे पेरेंट्स जब हम लोग ट्रिप पे जाते थे, हम लोग सोचते थे क्या यार ये लोग घर से खाना खिला रहे हैं, बाहर से ये लोग भी यही सोचते होंगे क्या ये घर से खाना खिला रहे हैं. हाँ हाँ हाँ, वो जो भाई वो जो खुशी मिलती है, वो घर का खाना खाने की जो खुशी मिलती है, इट्स बियॉन्ड एनी कंपैरिजन. तो इसीलिए भाई एक मील तो हम लोग लेके जा रहे हैं. ये देखा, मेरे को पता था जब हम लोग भी छोटे थे ना बाबू, हम लोग को भी ऐसे ही होता था. When we were also kids, we also used to feel कि नहीं यार बाहर का खाना खाना है, घर का खाना नहीं खाना है हम लोगों को, है ना? It's very boring, exactly it's boring. But as you grow up, पता नहीं क्या हो जाता है, मम्मी जैसे मम्मी पापा बन जाते हैं. I think एक maturity आती है, and second thing is ना लगता है यार हल्का खाएं पेट के लिए. Exactly, exactly. बाहर में वो तला मला या फिर वो मैदा उदा नहीं खाएं. Exactly right, exactly. भाई ये सारे symptoms होते हैं, उम्र हो रही है, ठीक है, ये सारे कुछ भी बहाने बोल लो, लेकिन ये सब सिम्टम्स है कि भाई उम्र हो रही है. एनीवेज तो ये कुछ हाल है अभी सुबह सुबह. अभी टाइम हुआ है 10:30. प्लान था हम लोगों का 10 बजे निकल जाने का, हम उठे हैं 8:30 बजे, लेकिन फिर भी अभी और 1 घंटा लगेगा, तो 11:30 तो बज ही जाएगा निकलते निकलते. तो अभी धीरे धीरे, अभी नाश्ता भी नहीं किया, अभी नाश्ता वगैरह करके सारा सामान जो है वो पैक करके गाड़ी में डाल के फिर मिलते हैं. हालत खराब हो गई है लिटरली. टाइम हुआ है 11:30, प्लान था 10 बजे निकलने का, लेकिन 11:30 बजे निकले, नो प्रॉब्लम. हेलो, तुम कहाँ पे? जल्दी बैठो गाड़ी, तुम्हें बीवी चलाने वाली आज. तुम चला रहे हो गाड़ी? Of course. चलाने दे इसको गाड़ी, क्या बोलते हो? बस क्या, पक्का लाइसेंस है ना तुम्हारे पास पूरा? चलो ठीक है, इसको चलाने देते हैं, बाद में तो अपने हाथ में ही आ जाएगी, चलेगा. चलो तो मैं जैसे बता रहा था कि यार 10 बजे निकलने का प्लान था, 11:30 बज गया है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लेट है बस, ज्यादा लेट नहीं है हम लोग, सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा लेट है. बट आई थिंक इट्स ओके, कोई बात नहीं, बच्चे के साथ अगर ट्रैवल कर रहे तो ये तो बहुत नॉर्मल ही है यार. ठीक है, ऑल सेट? हाँ ऑल सेट. पीछे सीट बेल्ट, पीछे सीट बेल्ट लग गई है सबकी, दोनों बच्चों की. एक्साइटमेंट कैसी है? सो गुड. हाय सर. ऑल राइट, स्टार्ट करने से पहले जय माता दी. जय माता दी. सारे बोलो जय माता दी. गणपति बाप्पा मोरिया, जय श्री राम. इतने सारे भगवान के नाम क्यों ले रहे हो? गाड़ी तुम चला रहे हो, गाड़ी मेरी बीवी चला रही है ना, इसलिए भगवान को याद करना पड़ेगा ना भाई. चलो लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स बिगिन द रोड ट्रिप. मैप स्टार्ट कर दिया है. 4:11 का अराइवल है, 4:36 की ड्राइव, 500 किलोमीटर की ड्राइव है. तुम पूरा 500 चलाने का प्लान है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं. कितने भी भगवान को याद कर लो, पूरे 500 किलोमीटर तो ये नहीं चलाएगी, ये पक्की बात है. तो अभी आई थिंक देखेंगे 100-200 किलोमीटर जितना चलाएगी, उसके बाद में फिर मैं स्विच कर लूंगा. इस बहाने से 1-0 कम कर 10 किलोमीटर में तो हाईवे भी हिट नहीं होगा भाई. ऑल राइट, चलो प्लेलिस्ट बना लिए, गाने वाने बजाएंगे और एंजॉय करते हुए चलेंगे. ये देखो आ रहा है फ्रीवे हिट करने के लिए. अब देखो कैसे चलाएगी ये मैडम गाड़ी. ओहो एकदम तेजी से 69-70 का स्पीड है, 75. पीछे भी देखना प्लीज मर्ज करने के पहले. ऑल राइट, क्या बात है, क्या बात है.
एंड वी हिट द फ्रीवे। देखा जी, मैं भी तुमको बस ऐसे ही देना है एग्जाम, कितना इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मेरे अंदर देखो जान कितनी सूखी होती है मेरी। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही तिरंगा है ये इश्क रे, तूने छुआ सपनों को मैं, मरहम मरहम जगी मैं गंगा है ये इश्क रे। एनिमल फीवर। 5 मिनट हुए हैं या 10 मिनट हुए हैं मैक्स ड्राइव करके, और पहला स्नैक खुल गया है हमारे टूटू की फरमाइश पे, क्योंकि टूटू ने नाश्ता कुछ किया नहीं था। हाँ, उसने कुछ नाश्ता किया नहीं था सुबह सुबह, एकदम उठने से उसको नाश्ता करने का मन करता नहीं है, और वो स्कूल भी जब जाती है तो सिर्फ एलमेंट्स ही खा के जाती है, तो वी अंडरस्टैंड, इसलिए खोल दिया है। खैर, लेकिन हम टूटू पे ब्लेम नहीं मारेंगे, क्योंकि 2-4 हाथ हम भी मारेंगे उसके अंदर, ये भी पक्की बात है। 100% भाई, मुश्किल से 20 किलोमीटर हम आए रहेंगे सिर्फ आगे। एंड ऐसा कभी हो सकता है आपके साथ? कभी हुआ है ऐसा कि आपने सोचा हो कि आपने सब कुछ ले लिया हो लेकिन फिर भी कोई चीज़ भूल जाते हो? हमारे साथ भी वैसा ही हुआ है, हम लोग भूल गए तीर्थ का वाइप्स। तो अभी मैं आया हूँ डॉलरामा वहाँ से वाइप्स खरीदने के लिए, अभी अंदर जाके पहले वाइप्स खरीद लेंगे, क्योंकि एक भी वाइप ना होना काफ़ी रिस्की हो सकता है एंड काफ़ी स्मेली हो सकता है। ये रहे अवीनो के वाइप्स, ये लेके चलेंगे साथ में, ये भी उठा लिया रेडबुल अपने लिए एक। अब तुम यहाँ कहाँ? माय गॉड, क्या 20 किलोमीटर खाली बस? ये लो पकड़ो, मैंने ये भी ले लिया, वो सारा सामान तो ले ही लिया, और मैंने रेडबुल भी ले लिया अपने लिए। कॉफी नहीं पी रहा हूँ तो रेडबुल तो पी सकता हूँ। हाँ, मैंने रखी थी, देता हूँ मैं, अभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक ब्रेक ने सीधा हमको आधा घंटा पीछे कर दिया। काफी चीजें था, सामान लेना था, थोड़ा सा वेट बाइक भूल गए थे टूट के, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। राइट, आई एग्री। फिर वो लेना था दूध गर्म करना था, तो करेक्ट यार, देखो वही होता है बच्चों के साथ। मैंने कॉफी नहीं ली, नहीं मैंने रेडबुल लिया है, कॉफी नहीं ली है। बच्चों के साथ ट्रैवल करते तो ये थोड़ा बहुत डिले होता ही है, बट आई थिंक इट्स ओके। अब मैं आ गया हूँ पायलट सीट पे, पायलट आ गया, अभी प्राइमरी पायलट, अब ये उड़ाएगा गाड़ी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने लिया है ब्रेक, 1 hour 49 minutes बचा हुआ है, 191 kilometers जब हमने शुरू किया था, तो वहाँ से लेके 3 घंटे हो चुके हैं और लगभग 300 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं, और हमने लिया है अभी पहला ब्रेक। अब हम यहाँ पर रुके हुए हैं ऑन रूट ओडेसा करके कुछ तो है, अभी लगी है भूख हम लोगों को, एंड प्लस बच्चे भी बहुत कलप गए थे क्योंकि उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, तीर्थ बिल्कुल भी नहीं सोया है एंड उसको भी नींद आ रही थी, तो हमने कहा यार मेक सेंस कि अभी हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं और कुछ खा लेते हैं, पेट पूजा बाकी सब दूजा। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, फिर काम दूजा। अच्छा, मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने भी यही बोला ना, पेट पूजा बाकी सब दूजा, बाकी सब दूजा नहीं, गलत है, बाकी क्या, फिर काम दूजा। ओके, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चलो, ये लड़का अभी निकल रहा है 3 घंटे बाद अपनी कार सीट से। हाय, शक्ल देखो इस लड़के की, ओहो हाइट की, हाय कितना खुश हो गया देखो ये, ओ माय गॉड। एंड मैं आपको टूटू को दिखाता हूँ। टूटू, ओए टूटू, हाउ आर यू फीलिंग? हाँ, ये रख दो ना आईपैड अभी अंदर, अभी खाना खाते बाद में चलते हैं। हाउ इज द जोश? हाय सर, नॉट गुड। अरे भाई साहब, हम लोगों को गाड़ी में इतना दिक्कत हुआ है, खाना हमने किस में रखा हुआ है? आई थिंक इसमें, ये बैग में रखा हुआ है। हम लोगों को इतना दिक्कत हुआ है टू बी वेरी ऑनेस्ट, गाड़ी में पहला 1.5 घंटा तो टाइम पास चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद में जो स्ट्रगल शुरू हुआ है, ओ माय गॉड, अरे बाप रे, बहुत हैवी है यार। आई नो यू रियली थॉट इट वुड बी फन, वेल इट इज़ फन यार, मतलब रोड ट्रिप्स आर ऑलवेज फन, बट थोड़ा सा वही बोर हो रहे थे तो हमने गेम खेली। अब वो गेम टूटू की इन्वेंशन है, आपको मैं दिखाता हूँ वो गेम क्या थी। इट्स कॉल्ड द राइमिंग गेम, तो इसमें टूटू पहले एक वर्ड बोलेगी। टूटू बोलो, स्टाई, आई विल से ट्राई, व्हाई, बाय, हाय, बाय, बाय, ओके, गाय, लाय, टाई, टाई, फ्राई, ड्राई, ओहो, हाय, हाय, आई सेड बाय, यू सेड हाय, ओके, हाय, करेक्ट, हाय,
नाउ माय टर्न नो हाय हाय शाय मम्मा को पापा फंसाए ये मम्मा को तो हरा के रहेंगे अपन Toto is thinking. जब तक टूटू थिंक कर रही है मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ देखो पापा, कितनी एक्सीलेंट गेम है ये हाँ बेटा वाईफाई हाँ वाईफाई गुड वाईफाई ओके सो एनीवेज अब मेरा टर्न नेक्स्ट आएगा मैं पूरे आपको गेम से नहीं पकाऊंगा बट देन द होल लॉजिक इज कि कितनी अच्छी गेम है ये बच्चा का दिमाग भी काम करेगा एंड वोकैबुलरी भी कितनी सुधरेगी कितने सारे नए नए वर्ड्स हम ट्राई करते हैं बोलने का सो ग्रेट गेम इन्वेंटेड बाय टूटू गुड जॉब टूटो क्या यम लग रहा है भाई देखो यहाँ पर स्पून नहीं रखे ओहो चलो कोई बात नहीं अब यहाँ पे देखो टिम हॉर्टन्स है पोपाइज है बर्गर किंग है या फिर नागपाल जी इसके सामने अभी ये सब कौन खाएगा यार मतलब जब आप ट्रैवल कर रहे हो कार में रहते हो ना आपको बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि आप बर्गर खाओ या एज अ फ्रेंच फ्राइज खाओ बिल्कुल मन नहीं करता है ये जो है ना दिस इज हेवन दिस इज सो टेस्टी वेइंग कोई बात नहीं आज बिना वेइंग मशीन के बिना अंडे के अपन खा लेंगे प्रोटीन बार प्रोटीन बार है लेकिन मेरे पास तो प्रोटीन वहाँ से पूरा करेंगे ऑप्शन सारे होते हैं प्रोटीन पूरा करने के लिए ये खाना खाते हैं फटाफट से एंड फिर मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद भाई पहला बाइट खा के देखते हैं ये दिस इज हेवन यार लग तो बहुत सही रहा है सो गुड मतलब लिटरली यार आंचल थैंक यू वेरी मच तुमने सुबह सुबह उठ के इतना बनाया बिकॉज नहीं होता है यार ये सब हैवी खाने ये ना होता तो मैं कुछ खाती ही नहीं बाहर है ना नहीं होता है सब वे बाबू कुछ भी बोल लो मतलब वो सब बाहर का खाना बाहर का खाना ब्रेड ब्रेड आई डोंट लाइक ओनली दिस इज गुड गुड आर यू ईटिंग टूटू भी खा रही है देखो गुड गर्ल है मेरी बच्ची ही लाइक आलू उसको तो पसंद है ना आलू हाँ और यार बना भी बहुत मस्त है यार टू गुड थैंक यू तो ये देखो आंचल ने टूटू के प्लेट में से ले लिया टूटू नहीं खा रही है क्यों नहीं खा रहे बच्चा उसको नहीं मन कर रहा है ना खाने का इसका ट्रैवलिंग मतलब बहुत एक डिफिकल्ट टास्क होता है ना इफ ही कांट गो बाय रोड भी ना फ्लाइट में उसको पसंद ही नहीं आता लॉन्ग ट्रिप्स तो बहुत डिफिकल्ट होता है ऑलराइट खाना वगैरह खा लिया हम लोगों ने और अभी टाइम हुआ है 4 मतलब ऑलमोस्ट मोटा मोटा 45 मिनट्स का ब्रेक हो गया सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई कि अभी यहाँ पर मैं आया टिम हॉर्टन्स में ये वाला जो टिम हॉर्टन्स है आप देख रहे हो क्योंकि तीर्थ का अभी रोना शुरू हो गया जैसे उसने देखा कि हम गाड़ी की तरफ रिटर्न जा रहे हैं तो उसका रोना शुरू हो गया तो मैंने कहा कि यार उसको नींद आएगी क्योंकि वो पूरे रास्ते सोया नहीं है तो मैं यहाँ पूछा कि मैंने अगर दूध मिल जाए तो उन्होंने दूध दे दिया प्रॉब्लम था ठंडा दूध दिया लेकिन यहाँ पर माइक्रोवेव भी रखा हुआ है तो मैंने इसमें गरम कर दिया है दूध ये देखो पूरा बॉटल भर के दूध दे दिया इन्होंने एंड इन्होंने मुझसे ₹1 भी चार्ज नहीं किया $1 भी मतलब चार्ज नहीं किया सो दैट वाज अ गुड थिंग मुझे ऐसा लगा कि चलो बढ़िया है यार एटलीस्ट यहाँ पे दूध मिल गया बच्चे के लिए तो अभी शायद ये पी के तीर्थ सो जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत क्रैंकी हो रहा है उसको कार सीट में बैठना ही नहीं है फिर से कार सीट में डाल रहे हैं आई होप इसने दूध देख लिया है तो इसीलिए शांत हो गया वरना क्या रो रहा था ना आंचल अभी 2 मिनट पहले ओ माय गॉड बहुत बुरा हाल था हाँ दूध ये लो दूध लो अभी दूध पियो और सो जाओ अच्छे से ठीक है अब टूटू भी अपने इसमें लगेगी ना हाँ अभी टूटू को भी वापस आईपैड दे दिया है वैसे हमने उससे ले लिया था आईपैड थोड़ी देर के लिए एक घंटा दिया उसको आईपैड पहले देन उसके बाद में 2 घंटे का ब्रेक हुआ ना 1.5 घंटे का यूजुअली एवरीडे हम लोग खाली 1 आवर स्क्रीन टाइम देते हैं उसको
बट अभी वी जस्ट थॉट कि बहुत दुख है, वी जस्ट थॉट कि ये करते हैं कि अभी वेकेशन में थोड़ा एक्स्ट्रा एंड दैट टू इज ट्रैवलिंग टाइम, तो उसको बहुत बोर हो जाता है यार। अरे बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये सारे चैलेंजेस विदाउट स्टॉप्स। हां ये सारे चैलेंजेस होते हैं कि बच्चों के साथ जब हम ट्रैवल करते हैं। आप लोग सोचोगे कि सिर्फ 500 किलोमीटर तो है, रोड ट्रिप क्यों बोल रहे हैं इसको, बट जेन्युइनली बच्चों के साथ बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड टूटू जो लड़की टोरंटो तक नहीं बैठती है, एक घंटे में वो वाट लगा डालती है हम लोगों की, अगर वो 500 किलोमीटर बैठ रही है तो इट्स अ गुड थिंग मतलब, एंड उसको कुछ तो ब्राइब देना ही पड़ेगा। तो अभी आई थिंक कितना किलोमीटर बचा हुआ है, अच्छा ये बंद हो गया, अभी चालू होएगा पता चल जाएगा कितना किलोमीटर बचा हुआ है अभी। I know 147 नहीं 147 1 hour 47 minutes है। अच्छा 1 hour 47 ये रहा आ गया, देखो 1 hour 58 minutes 191 किलोमीटर, 6 बजे का अराइवल हो गया जो पहले 5 बजे का था। सो एक घंटा डिफरेंस आ गया, मतलब ठीक है आई थिंक अभी थोड़ा रिलैक्स कर लिया हम लोगों ने। ये लोग ने भी काफी देर भाग दौड़ कर रहे थे वहाँ पे चल रहे थे, सो उन लोगों को थोड़ा अच्छा लगा कि गाड़ी से उतरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना यार ट्रिप्स में या जब फ्लाइट में भी आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना। चलो लेट्स रिज्यूम द जर्नी एंड Let's see you guys directly in Ottawa in our hotel. Oh my God, what a feeling! What a feeling! So time हुआ है अभी exactly 6:25 और हम लोग पहुंचे हैं, just अपने होटल में चेक इन किया है। बहुत ही बढ़िया रूम है, ड्राइव बहुत ही बढ़िया रही, बहुत ही सेफ रही सबसे इम्पोर्टेंट, बिकॉज पूरे टाइम रास्ते में हम लोग अच्छी स्पीड्स कर रहे थे एंड यू नो सेफ्टी वॉज ऑलवेज आर प्राइमरी कंसर्न। आते वक्त थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग को, बिकॉज जैसे मैंने बताया आप लोग को जब हम लोग निकले थे लास्ट स्टॉप से अपने, वहाँ पर से दिखा रहा था कि हम लोग 6 बजे पहुँच जाएंगे, लेकिन रास्ते में कुछ एक रास्ता रोड क्लोज कर दिया था पुलिस वालों ने, तो पूरी जो ट्रैफिक थी वो पूरी 3 लेन 4 लेन की ट्रैफिक एक लेन में मर्ज करा रहे थे वो लोग, तो वहाँ थोड़ा सा लेट हो गया, बट आई थिंक इट वॉज स्टिल ओके। काफ़ी अच्छा रहा ड्राइव हम लोगों का। अब ऑफकोर्स एज मैंडेटरी हर किसी का जो बंदा रूम टूर देता है तो हम भी रूम टूर आपको दे देते हैं जल्दी से, तो मैं आपको ले चलता हूँ। चलो वैसे सारा वाला सामान वामान हम कुछ लाए नहीं है, जस्ट चेक इन किया है लिटरली, सो मैं ये घुमा देता हूँ अपना कैमरा। ये है हमारा एंट्री वे, एंट्री वे से अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ पर राइट में है बाथरूम, काफ़ी डिसेंट बाथरूम है, काफ़ी नीट क्लीन बाथरूम है यहाँ पे, एंड यहाँ पर बाथटब नहीं है, यहाँ पर है स्टैंडिंग शावर विच इज़ ओके। टूटू का बड़ा मन था कि उसको बाथटब चाहिए था। यहाँ पर है एक छोटा सा फ्रिज, बाथटब तो घर पे भी है एग्जैक्टली, यहाँ पर है छोटा सा फ्रिज, यहाँ पर कॉफी मशीन और यहाँ पर है माइक्रोवेव, अच्छा माइक्रोवेव भी है, सो वी आर गुड। लिखा था ओके परफेक्ट, तो माइक्रोवेव भी है तीर्थ का दूध गर्म करने के लिए। यहाँ पर है कबर्ड हमारे कपड़े पर टांगने के लिए, कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर है एक बेड जहाँ पर सोएंगे मैं, दो क्वीन बेड है बेसिकली, यहाँ पर एक बेड पे सोएंगे मैं और टूटू, और यहाँ पर सोएगी आंचल और तीर्थ, करेक्ट। चलो बढ़िया, एंड दैट्स अबाउट इट, ये रूम खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग डेस्क है, हाँ यहाँ पर छोटा सा वर्किंग डेस्क है जहाँ से मैं काम करूंगा कल ऑफिस का। यहाँ पर एक टीवी है एंड ये है बहुत प्यारा सा व्यू, ये पार्किंग लॉट का व्यू है लेकिन बहुत बढ़िया है, एंड आई थिंक यहाँ पर कहीं आसपास में एयरपोर्ट भी है। अब ये है होटल हॉलीडे इन, हम रुके हुए हॉलीडे इन में, यस। Also very excited because we have a pool and Papa said we maybe go today. Yeah, we might go today. Let's see. अभी 6:30 बज गए हैं, इतना लेट पहुंचे हम लोग। So जैसे मैं बता रहा था हॉलीडे इन है, यहाँ पे हम रुक रहे हैं एक रात के लिए। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि जो ऑफिस की बुकिंग है आंचल की वो शुरू होगी कल से, तो वहाँ हम मूव करेंगे कल। द मेन रीजन हमने ये होटल क्यों लिया इज ओनली बिकॉज ये होटल उस होटल से बेरली 2 मिनट्स डिस्टेंस पे है, तो हमने कहा दिस मेक्स मोर सेंस, वो होटल लेने से ये होटल लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो कल वाला जो रूम है वो ज़्यादा बड़ा रूम है, उसमें किचन वगैरह भी है, सो आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था एज कम्पेयर टू जो हमने ये रूम के लिए पे किया था। सो आई थिंक टोटली एक ही रात निकालनी है, सो आई थिंक वी आर प्रीटी कूल। देखो कैसे डांस कर रहे हैं, डांस डांस डांस, अरे वाह, इतना खुश हो गया ना जैसे गाड़ी से निकला है बाहर, कितना खुश हो गया ये, देखो कितना डांस कर रहे हैं, इसको फाइनली गाड़ी से निकाला ना, इतना खुश हो गया ये। ऑफ कोर्स यार सब बच्चों को होता है कि एग्जैक्टली सब बच्चों को तो भैया भागने की स्पेस चाहिए उन लोगों को, ये भागा ये देखो, और वो देखो ये शुरू हो गया इसका कर्तव्य। इतनी थकावट के बाद डेफिनेटली मेरी बीवी को एक चाय चाहिए, तो मैंने किसी तरह से कोशिश की है चाय बनाने की, पी के बताओ कैसी है, स्टर किया है, तुम शक्कर देखो कैसी है कि इफ यू आर ओके विद द शुगर, हाँ इसको दे रहा हूँ मैं, बट तुम शक्कर बताओ पहले, एंड क्रीम मैंने 1.5 डाला है क्रीमर, एंड शुगर सिर्फ 1 ही डाला है, ये नहीं
थोड़ी ताजगी लाएगी तुमको, थोड़ा फ्रेशनेस आएगी। चलो ठीक है, तुम्हारा ये तो सॉर्ट हो गया कम से कम। तुम भी पी लो कॉफी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा कॉफी। अच्छा ठीक है, दिस गुड। और कुछ डालना है? नहीं, आई एम गुड। ऑल गुड, ठीक है, चलो बढ़िया। ओह माय गॉड, ये तो करना बनता ही है यार। इतना ज्यादा अच्छा टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है इसके अंदर कि यू हैव टू कम इन द पूल। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। देख रहे हो ये शक्ल जो ना, इससे सबसे ज्यादा एंजॉय किया है पूल में। इतनी मस्ती की है इस लड़के ने कि मैं क्या बताऊं। पूरा टाइम इसको ऐसे मुंह आगे जाके, इसको ऊपर उठा के, वहां से खड़े रह के, एज पे खड़े रह के उसको जंप मारना है। इतना ज्यादा एंजॉय किया है ना इसने पूल की, कोई हद नहीं है। एंड ऑफकोर्स हमारी टूटू, उसने तो बहुत एंजॉय किया पूल। डिड यू एंजॉय द पूल? आई नो। सो अभी देखो टाइम हुआ है 10:10 ऑलमोस्ट, एंड हम लोग घर आने के, मतलब घर, पापा घर बोलता हूँ, पूल से निकलने के बाद रूम में आए, नहा वहा के रेडी हुए। अब लगी जोरदार भूख, तो हमने कहा यार किसी को बाहर जाके कुछ खाने का मन तो नहीं है, तो हमने जाके बच्चों के लिए क्या लेके आए, मैकडोनल्ड लेके आए। हमारा तो कुछ खास मन नहीं था। जो दोपहर को आंचल ने बनाया था आलू की सब्जी और रोटी, वो बची हुई थी, तो हमने तो वही खाना था, क्योंकि इतना रात को ऑलमोस्ट 10 कुछ हैवी खाने का मन नहीं था, तो वो हमने, हम खाएंगे। बच्चे लोग खा रहे हैं, देखो यहाँ पे दोनों बच्चे खा रहे हैं मैकडोनल्ड्स, ये लड़का एंड ये लड़की। और इसके लिए मैं जाके दूध ले आया ताकि रात को इसको दूध पिलाना हो तो कोई टेंशन ना हो। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना, आपका लाइक बहुत मैटर करता है, मैं हर बार ये बोलता हूँ। सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। One like can change a lot. क्या बात है, बहुत बढ़िया। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए इसको किसी अपने एक फ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ।